हेलो दोस्तों, मैं आकाश शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के बारे में। दोस्तों, खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा जिला बस्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, रामायण महाकाव्य के अनुसार बस्तर जिले को दन कन्या कहा गया है। बस्तर जिले में लगभग 70% लोग ट्राइबल हैं, जिनमें गोल, मांडिया, भतरा, मुरिया, हलवा और ध्रुवा समुदाय के लोग शामिल हैं। बस्तर का इतिहास जिले का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके, इसके लिए 1999 में इसमें से दो अलग जिले कांकेर और दंतेवाड़ा बनाए गए। दोस्तों, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव और दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिलों से घिरा हुआ है। दोस्तों, रामायण महाकाव्य के अनुसार बस्तर जिले को दन कन्या कहा गया है। बस्तर जिला उत्तर पश्चिम में नारायणपुर जिला से, उत्तर में कोंडागांव जिला से, पूर्व में उड़ीसा राज्य के नवरंगपुर और कोरापुट जिला से, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा जिला से घिरा हुआ है। दोस्तों, बस्तर जिला का कुल क्षेत्रफल 10,470 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए है, जिसमें से लगभग 4,233 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जंगलों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, बात प्रशासनिक सेवाएं की जाए तो मैं आपको बता दूं कि बस्तर जिले एवं बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर है। ये पहले दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। बस्तर जिला के अंतर्गत 7 तहसील जगदलपुर, बस्तर, बकावन, लोहंडीगुड़ा, टोकापाल, बस्ताना और दरभा और 595 गांव आते हैं। दोस्तों, बात करें पॉपुलेशन की तो 2011 की जनगणना अनुसार बस्तर की कुल आबादी 14,13,199 है, जिसमें से पुरुषों की आबादी 6,98,487 तथा महिलाओं की आबादी 7 लाख के करीब है। वहीं 2011 के सेंसस के अनुसार बस्तर जिले का सेक्स रेशियो 1,023 महिला प्रति 1,000 पुरुष है, जो बस्तर का इतिहास को ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग लड़कों और लड़कियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं करते हैं। जबकि जनसंख्या घनत्व 135 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, धार्मिक परिदृश्य से देखा जाए तो बस्तर जिले में हिंदू 90.43%, क्रिश्चियन 1.98%, मुसलमान 0.88% और अन्य धर्म के 6.71% के लोग रहते हैं। दोस्तों, बात अगर साक्षरता की हो तो बस्तर जिले का साक्षरता दर 54.40% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 64.82% और महिलाओं की साक्षरता दर 44.26% है। वही किसी भी राज्य अथवा जिले का निर्माण शिक्षा शैली पर ही निर्भर रहता है। दोस्तों, जिले में पढ़ने के लिए कई सारे शानदार शिक्षा संस्थान मौजूद है, जहां स्कूलों में विद्या ज्योति स्कूल जगदलपुर, बस्तर हाई स्कूल जगदलपुर, निर्मल विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल डीवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय धर्मपुरा, संत जेवियर हाई स्कूल, संस्कार गुरुकुल माउंट लिट्राजी स्कूल, डीपीएस जगदलपुर, जबकि कॉलेजों में क्राइस्ट कॉलेज बस्तर, बस्तर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गोंडल, नर्सिंग कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्तर, गवर्नमेंट काकटिया पीजी कॉलेज धर्मपुरा, सूर्य कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जैसे लाजवाब कॉलेज शामिल है। दोस्तों, बस्तर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की करें तो बस्तर जिले में अनेकों हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर बस्तर के शहरी क्षेत्रों से ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्रों से भी मरीज इलाज करवाने को आते हैं। बस्तर जिले के कुछ महत्वपूर्ण हॉस्पिटल्स में महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्तर, एमपीएम हॉस्पिटल, बंसल नर्सिंग होम, बीएसआर डायग्नोस्टिक जगदलपुर और इसी तरह के कई सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल्स मौजूद है। दोस्तों, बस्तर जिले तक पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, जहां एक ओर सड़क मार्ग में बस्तर से नेशनल हाईवे संख्या 30 गुजरती है और टीएसआरटीसी, एपीआरडीसी और ओएसआरटीसी की रेगुलर बस सेवाएं जगदलपुर से आसपास के शहरों तथा राज्यों के लिए उपलब्ध है। वहीं रेल मार्ग में जगदलपुर रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम और रायपुर जैसे शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बस्तर जिले में पैसेंजर ट्रेन के अलावा ये रेलवे लाइन NMDC बचेली से आयरन का सप्लाई विशाखापट्टनम परिवहन हेतु मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। बात अगर हवाई मार्ग की करें तो बस्तर जिले के जगदलपुर में एक एयरपोर्ट तो है, परंतु उसका प्रयोग भारतीय वायु सेना के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य एयरपोर्ट यानी कि रायपुर एयरपोर्ट
यहाँ से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, बस्तर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी बस्तर की खूबसूरती को निहारने आते हैं। बस्तर महल, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात, कोटसर गुफा, नारायण पाल मंदिर, तांबरा गुफा, मेन्द्री घुमर जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात आदि मुख्य कहे जाते हैं, जहां पर्यटक हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, बस्तर का इतिहास में पर्व त्योहारों की बात की जाए तो बस्तर जिले का दशहरा पूरे भारतवर्ष में चर्चित है। यहां का दशहरा फेस्टिवल अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इस त्योहार को यहां पर 75 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा बस्तर जिले का कोटून ट्रेडिशन भी बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, बस्तर जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में हल्बी, गोंडी और हिंदी मुख्य रूप से शुमार है। 2018 के लिए श्रम बल भागीदारी दर 76.06% है, तथा जिले में आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र से है। दोस्तों, इसके अलावा यहां पर जंगली उत्पाद जैसे कि तेंदू पत्ता, धूप लाख, अमचूर और इमली और प्रति व्यक्ति आय 17,850 रुपए है। तो दोस्तों, बस्तर जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।